नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोहार जाति का जो आरक्षण बिहार सरकार दे रहा था वो आरक्षण आखिरी समाप्त कर दिया गया है। इसमें मैं बताने वाला हूं कि जो सरकार है, बिहार सरकार है, गवर्नमेंट है, लोहार जाति को लेकर के क्या पक्ष रखा था और किस आधार पर इन्होंने आरक्षण दिया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चले जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसको आखिरी जो जस्टिस है KM जोसेफ है और ऋषिकेश रॉय है, इस पर फैसला सुनाते हैं और इसको अंत इस आरक्षण को ख़त्म कर देता है। तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि आखिर यहां पे जब समाप्त कर दिया गया है तो बिहार सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। एक बार बिहार सरकार को इस पर अपील करना चाहिए कि भाई एक बार जो रिव्यू किया जाए। खारिज सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण को खारिज कर देता है। खारिज करने के बाद बिहार सरकार तो कुछ एक्शन अभी नहीं ले रही है, तो बिहार सरकार को एक बार अपील जरूर करना चाहिए, अपील दायर करनी चाहिए दोबारा। तो इसमें मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि लोहार जाति और लोहारा जाति इसमें अंतर क्या है। तो पूरे तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए आपका सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाया हुआ है। इनमें बजाबते के साथ दिया हुआ है कि लोहार, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लोहार जो है और लोहारा जाति है, तो हिंदी में भी लोहार को लोहार ही बोला जाता है। हिंदी में मैं बात करूं, लोहार के लोहार बोला जाता है, एक लोहारा लोहारा जाति होता है। तो लोहारा जो जाति है केंद्र सरकार में ST कैटेगरी में है और लोहार जो जाति है वो केंद्र की मैं बात करूँ तो ओबीसी को ही BC बोला जाता है, BC कैटेगरी में है। तो अब जो आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है तो इसके तहत बहुत से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसका भी नौकरी जा सकती है, यहाँ तक में भी हाँ जा सकती है नौकरी। क्योंकि अब आप जो यहाँ पे जो तमाम आरक्षण दिया गया था उसके बदौलत आप गए हैं, तो वहाँ पे जब आपका इंक्वायरिंग होगा तो इंक्वायरिंग में जो तत्कालीन जो था तो उस तो हट जाएगा ना। तो अभी जो वर्तमान में आपका जो अफसर लोग रहेंगे तो आपको रिव्यू जो करेगा, तो जो भी जितने भी वैकेंसी जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेगा, तो अभी वर्तमान जो होगा उसके लिहाज से अगर किया जाएगा तो इस हिसाब से आपका पेमेंट भी रोक दिया जाएगा और बकाया आप पर जुर्माना होगा। क्योंकि जब इसमें बिहार गवर्नमेंट है उस पर भी जो धोखाधड़ी के मामले में जो आरक्षण जो दिया गया है तो कानूनी जो है नियम संविधान को ध्यान में रखते हुए नहीं किया है, तो उस पर जो बिहार गवर्नमेंट है उस पर भी जुर्माना दायर किया गया है, अपील किया गया है। तो यहाँ पे जाब्ते के साथ बोला जा रहा है कि लोहार, ये देखिए स्पेलिंग की ही मैं बात करतूँ, LOHAR होता है लोहार। तो लोहार इज नॉट सेम एज लोहारा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे जो बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेट अप्रूव्ड एसवेंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट्स टू लोहार कम्युनिटी। यहाँ पे जो लोहार कम्युनिटी को आपका जो ST कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट को अब बैन कर दिया गया है। जो भी आपका लोहार स्पेलिंग जो ध्यान रखिएगा LOHAR लोहार होता है, इस लोहार कम्युनिटी को अब ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा वो आपका BC कैटेगरी का दिया जाएगा। ओके, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरे बजाबते के साथ ये दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपका जो वर्तमान में जो बेंच है, लोहार जाति का जो SC ST रिजर्वेशन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अधिसूचना जो जारी किया गया था 23 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार जारी किया जाता है कि इसको जो OBC से ST कैटेगरी में बिहार सरकार संविधान को बाहर करते हुए इन्होंने अपना
जो बोलता है कि हम जो अपना बिहार गवर्नमेंट है ये आपका 23 अप्रैल 2016 से एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब लोग को अहम होता है कि भाई एसटी कैटेगरी में है तो केंद्र में भी अप्लाई करने लगते हैं, तो बहुत से हमारे जो फ्रेंड है उसका भी क्या हुआ है कि इससे बहुत दिक्कत हुआ है। देखिए एसटी कैटेगरी तो बिहार सरकार डाला हुआ था, अब केंद्र में तो जो लोहार LOHAR लोहार है कम्युनिटी है वो तो केंद्र में बीसी कैटेगरी में है, तो बीसी में ना डाल के एसटी में डालता है, तो हमारे फ्रेंड लोग को भी इसका बहुत ही नुकसान हुआ है। अब इसमें क्या है कि KM जोसेफ हो गया, ऋषिकेश रॉय हो गया, ये आपका फैसला सुनाते हैं और इसको लोहार कम्युनिटी के जो एसटी कैटेगरी बिहार में दिया जाता है उसको रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाता है। फिर मैं आपको यहाँ देख सकते हैं बजाते के साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि द कोर्ट रूल्ड दैट बिहार्स लोहार और लोहार कम्युनिटी इज नॉट द सेम एज लोहारा और लोहारा। यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे गलती किया है, ये यहाँ पे देख सकते हैं लोहार है ना, लोहोर लोहार ये सब जो होता है लोहार कम्युनिटी होता है, ये लो HAR होता है, ये कम्युनिटी आप देख सकते हो। इसके बाद बहुत से आपका यहाँ पे रबते के साथ यहाँ दिया गया है और मैं एक जो ऑफिशियल जो नोटिस है वो नोटिस भी मैं बताऊँगा। और सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है उस पर ज़्यादातर ही उस पर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है वहाँ पे, तो साथ जितने भी बहस हुआ है वो सारा बहस यहाँ पर जो 89 जो एक्ट है उस पर भी चर्चा हुआ है यहाँ पे लोहारा कम्युनिटीज और लोहार कम्युनिटीज पर, ये कोई यहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन यहाँ जो जारी किया गया है वो रीट पिटीशन रीट जो जारी किया गया है वो रीट आप देख सकते हैं 27 पेज का है और सारा इसमें पूरा बजाते के साथ पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर इसको मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम पे BST All Tips टाइप करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग ऐसे BST All Tips टाइप करना है टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर जाइएगा, मैं ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। तो यहाँ पे पूरे बजाते के साथ दिया गया है कि जो भी जजमेंट यहाँ पे है KM जोसेफ जी के माध्यम से और ऋषिकेश रॉय जी के माध्यम से जो किया गया था वो सारा यहाँ पे रखा गया है। जो 23/8/2016 को जो नियम जो लगा हुआ था उसको खारिज कर दिया गया है, इसमें पूरे बखूबी ढंग से यहाँ पे लोग यहाँ पे जो लोहार कम्युनिटी के लोग हैं ये कह रहे हैं क्या कि जो लोहार कम्युनिटी है स्पेलिंग लोहार और लोहारा ओके, तो ये बोल रहे हैं क्या कि लोहार कम्युनिटी और लोहारा कम्युनिटी एक ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नहीं ये दोनों अलग अलग है, बोथ आर नॉट सेम, ये जो है दोनों सेम नहीं हैं, तो लोहार कम्युनिटी और लोहारा कम्युनिटी ये अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बिहार गवर्नमेंट है यहाँ पे उन पर बोला गया था क्या कि अपना पक्ष रखा कि लोहार कम्युनिटी और लोहारा कम्युनिटी सेम है, ये कहना था बिहार गवर्नमेंट का, तो बिहार गवर्नमेंट इसी को लेकर के चर्चा कर रहा था और इसमें इनको लोहार कम्युनिटी को एसटी जो यहाँ पे लोहारा कम्युनिटी है केंद्र सरकार में एसटी समुदाय में है तो इनको मिला करके यहाँ पे डाल दिया गया था। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ही नाइंसाफी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसी को बात कर यहाँ पे चर्चा किया है कि नहीं जो लोहारा कम्युनिटी है अलग है और लोहार कम्युनिटी अलग है, इसीलिए यहाँ पे तो अलग अलग है तो भाई तो अलग अलग ही आरक्षण दिया जाएगा ना, तो कैसे आप इसको आप इसमें में फेर दोगे, तो यही बात है। अब बिहार गवर्नमेंट कह रहा था कि नहीं एक ही है, तो अब इस बिहार गवर्नमेंट भी जान रहा है कि भाई ये तो गलत है इसीलिए पिटीशन जारी नहीं करता है, अगर एक बार और आया है तो इसको बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि चुप नहीं रहना चाहिए, इसको लोहार कम्युनिटी के साथ है। अब तो ये लोहार कम्युनिटी मान रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो बिहार सरकार तो वोट के लिए तो इनको इनके साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने जगह पर है, तो यहाँ पे जो भी वकालत जो कर रहा है लोहार कम्युनिटी के ये लो HAR का कम्युनिटी का बिहार गवर्नमेंट इनका पक्ष एक बार फिर रखना चाहिए और इनको
तो ये बिहार गवर्नमेंट जान रही है कि भाई हाँ मेरा तो हार निश्चित है, इसीलिए चुपचाप है, मौन है। ओके, यहाँ पे पूरे आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। पढ़ने के बाद तमाम जो मैंने बताया कि भाई क्या है, इसका कुछ होने वाला है कि नहीं, तो इसमें जो भी है तो यहाँ पे इसको इसीलिए कर दिया गया कि सेम नहीं है, ये अलग अलग है, लोहार कम्युनिटी और लोहारा कम्युनिटी। और केएम जोसेफ हो गया, ऋषिकेश रॉय हो गया, न्यू दिल्ली में आपका फैसला सुनाया जाता है 21 फरवरी 2022 को, ये आरक्षण हटा दिया जाता है। जो लोहार कम्युनिटी है, लोहार कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी का अब सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि जब तक इस पर कुछ अथिकेशन नहीं आ जाता है तो आप प्लीज़ ओबीसी कैटेगरी का ही जाति आप दीजिए, बनाइएगा। वैसे भी जब आप जाइएगा सर्टिफिकेट बनाने जाइएगा तो आपको बीसी का ही दिया जाएगा, एसटी कैटेगरी का आपको नहीं दिया जाएगा। ब्लॉक में आप जाइएगा ना जाति आवासीय बनवाने के लिए, तो वहाँ पे जाति जो भी आपका बनेगा वो आपका बीसी कैटेगरी का बनेगा। अब बीसी में आपको क्रीमिलियर होता है, नन क्रीमिलियर होता है, आप नन क्रीमिलियर बना लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।